कारी गई, पूछा गया स्वामी जी ये कहां से, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से उठा, कहा किसने दिया कैसे तुम लोग ने दिया, इन लोगों ने तुरंत मोड़ दिया, कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो चरण पर समय नाखून मार के देना चाहते, अरे कोई पढ़ने वाली बात, प्रेमी और चोर जब चोरी करने जाता कुछ ना कुछ हमसे जरूर छूट जाता, ये हमें भी नहीं समझ पा रहे, तुमने हजारों बार जहर दिया और बाबा जी उस जहर को अपन शरीर से ज्यों त्यों निकाल के बाहर लग रहे, ये बाहर लग रहे जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा, जिनका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा, प्रेम वो इंसान है कि भगवान का भगवान है, इनकी समझ में नहीं आया क्यों विनाश का है विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है पाप का घड़ा स्वास्थ्य लोग राज का घड़ा बन जाता, प्रेमी वो फूटता जरूर है, जब फूटता है जब जैसी हो तब पिता तब तैसी मति हो, काल रेख की रेख को मेट सके नहीं कोई, ये तो सब होता ही है, यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, जब बाबा जी कह रहे मेरे नाम एक इंच जमीन नहीं, आश्रम भी मेरा नहीं, गाड़ियां भी मेरी, ये मंदिर मेरे गुरु महाराज का है भी मेरा नहीं है, और जितना रुपया पैसा प्रेमियों की सेवा मेरी नहीं है, जब बाबा जी का कुछ है ही नहीं तो वसीयत का है कि कर गए अपने शरीर की वसीयत कर गए कि संसार की दृष्टि की वसीयत कर गए, ये आपको सोचना पड़ेगा, यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, देखिए आप और कुछ नहीं कुछ कोई संस्था का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता सरकार मान्यता दे देती है, मान्यता का मतलब है उस संस्था में अगर कोई जगह खाली होती कोई पद तो संस्था के कर्मचारी अधिकारी मेंबर ही उस पद का चुनाव करते, सरकार से कोई मतलब नहीं, यह है रजिस्ट्रेशन का मतलब, लेकिन ऐसा किया गया, इन लोगों ने प्रचार किया बाबा जी खत्म और बाबा जी अध्यक्ष से संस्था था, जब अध्यक्ष मर जाता है तो संस्था भंग हो जाती है, कमेटी भंग हो जाती है, न कमेटी भंग की गई न दोबारा चुनाव किया गया, और बिना चुनाव किए और बिना नियम कानून के माने ही, और वो सरकार ने अपने नाते रिश्तेदार को और जो भी ड्राइवर था उसको गति बोलने जबरदस्ती बैठा दी, जबरदस्ती ये प्रशासन भी फंस रहा है, बाबा जी ने पहले कहा बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे, प्रेमियों संत वचन कभी झूठ नहीं होता, वो अपने समय पर सिद्ध हो रहा था, लेकिन ये सब और अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता, ये तो कानून है कि अध्यक्ष के बाद उधर उपाध्यक्ष का नंबर होगा, जब आपने कहा अध्यक्ष मर गया तो आपको उपाध्यक्ष को हटाना चाहिए, उपाध्यक्ष को अलग फेंक दिया, और उस सरकार ने अपने रिश्तेदार वो 2.5 किलोमीटर का ड्राइवर उसको गति में बैठा दिया, कितना जबरदस्त कानून लगेगा ये कभी निकल नहीं पाएंगे इससे, ये कानून का उल्लंघन हुआ भारतीय संविधान का, आचार संहिता का घोर उल्लंघन, इसमें अब सरकार फंस जाएगी, ये सब निकल नहीं सकते थे, और जब न किसी नए उपाध्यक्ष को नहीं बताया, कर्मचारी अधिकारी संस्था के न किसी मेंबर को सलाह नहीं गई, अपने मन से उस सरकार ने अपने रिश्तेदार को बैठा रहा है, घोर अपमान है, घोर संस्था का कृत्य का कृत्य का गुरु का गति का और कानून का घोर अपमान किया गया, यह सजा किसी की वजह की नहीं है, आपको सब विचार करके रखना चाहिए था, और बाबा जी हर साल नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाते, आप सब लोग नामदानी सदस्य हो किसके, जयपुर के धर्म प्रचारक संस्था के, और उसी संस्था का जब अध्यक्ष बनाया गया तुमसे पूछा गया 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठा, तुमसे पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए,
न 45 करोड़ नामदारियों से पूछा गया, न संस्था के कर्मचारी अधिकारी सदस्यों से पूछा गया, और ये मनमानी ढंग से उस सरकार ने अपने रिश्तेदार को जो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर था उसको गलती पर बैठा दिया। ये अपराध कोई माफ नहीं कर सकता, इसमें सब ज्ञान की आगे आने वाला समय इन्हीं का इंतजार कर रहा, इन्हीं की तैयारी हो रही है, और आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी, कुछ नहीं करनी हो। तब दूसरी बात, नाम पावर नाम दान कौन देता, जरा ये भी समझ लीजिए, जो नाम लगाया जाता उसी नाम से काम होता। सतयुग में योगियों ने हरि नाम लगाया, उस समय देव धर्म का काम करा दिया गया, त्रेता में ऋषियों ने राम नाम लगाया उससे धर्म की स्थापना करा दी गई, द्वापर में जब कृष्ण नाम लगाया गया धर्म की स्थापना दुष्टों का श्रृंगार करा दिया गया, प्रेमियों कलयुग में जब सर्वप्रथम कबीर दास आए उन्होंने साहब नाम लगाया, संत महात्मा जिस नाम को लगाते हैं वही जीवात्माओं का आधार होता है और उनके ज्ञान शक्ति का भंडार होता है। कबीर दास ने जब साहब नाम जगा लिया तब जिनों को नाम नाम मिला, कबीर दास ने जब साहब नाम जगा लिया तब जीवों को नाम नाम देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने जब राधा स्वामी नाम लगा लिया तब जीवों को नाम नाम देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने जब वाहे गुरु नाम लगा लिया तब जीवों को नाम नाम देना शुरू किया, और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम लगा लिया तब जीवों को नाम नाम देना शुरू किया। मैं उज्जैन में जाता इससे यही कहने गया कि तू भी किसी नाम को जगा ले और नाम दान दे तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन जो संत मत की मर्यादा है जो नाम को जगाएगा वही जीवात्माओं को नाम दान दे के जगाएगा, सुनाए हुए नाम से जीवात्मा नहीं जगेगी। प्रेमियों सब आपको जन्म में रखना चाहिए लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने बाबा जी को खुद ही गुरु नहीं माना अपना गुरु बन के बैठ गया और बाबा जी ने तपस्वी भेदकार बोला, कहा था बच्चा ये जब तक शरीर से नहीं उतरेगा तो जब तक देश में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको नहीं मिल जाएगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को रुकवा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, तब तक ये फकीरी भेदकार बोला तुम्हें शरीर से उतारना नहीं। इसने गुरु का आदेश को नहीं माना, लोग लालच में एक झटके में टाट बोरा उतार के फेंक दिया। जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना तो उसका आदेश तुम मान के कौन सा लाभ उठा लो। तुम्हें तो कहना चाहिए कि आपने बाबा जी के आदेश पर 30 साल टाट बोरा पहना तपस्या किया, क्या तपस्या करके टाट बोरा इतना गंदा हो गया, क्या इसको पर के नाम का नहीं सुनाया जा सकता। अगर आपका और शायद उसको भी ओस आ जाए और तुम्हारी शंका चली जाए दोनों को लाभ मिल जाए। यहाँ तो सबके लाभ की ही कामना की जाती है, जब आप नहीं मानोगे तो क्या होगा, यह सब जानकारी में दी जाती है और आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। दूसरी बात है, जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने जगाया, ये किसी का जगाया नहीं है, बाबा जी ने जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया, और इसने क्या किया एक कलाम लगा दी कि जय गुरुदेव नाम से प्रभु परमात्मा का नाम हटा दिया। आप इससे पूछिए कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने प्रभु परमात्मा का नाम हटा दिया, अब ये तुम बताओ जय गुरुदेव नाम तुम्हारा है इंसान का कि शैतान का किसका है। अभी 2 मिनट में 40 की